नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जब भी आप SBI बैंक की ब्रांच में जाते हो और आप कहते हो सर मुझे एक नया ATM कार्ड चाहिए, तो बैंक का अधिकारी अपने मनमर्जी के अनुसार कोई सा भी ATM कार्ड जारी कर देता है। मैं आपके सामने यहाँ पे देखो 8 ATM कार्ड की लिस्ट बता रहा हूँ। आप SBI बैंक में जाके 8 प्रकार के ATM कार्ड या डेबिट कार्ड जारी करवा सकते हो। तो इनके कार्ड की क्या विशेषता है, कितना इंश्योरेंस मिलता है, कितना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है, किस कार्ड को आप अंतर्राष्ट्रीय यूज कर सकते हो, किस कार्ड को आप डोमेस्टिक यूज कर सकते हो, कितनी विड्रॉल लिमिट है, कितनी POS लिमिट है, यानी आप यदि किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर आप इस कार्ड का उपयोग करके कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि SBI बैंक कितने प्रकार के डेबिट कार्ड जारी करता है। तो इसका आंसर आपके सामने, 8 प्रकार के डेबिट कार्ड इशू करता है। सारे डेबिट कार्ड के नाम आपके सामने, प्राइड, गोल्ड, सिग्नेचर, प्रीमियम, प्लेटिनियम, SBI अनटच कार्ड्स, ग्लोबल एंड क्लासिक। क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है यदि आपने SBI बैंक में अपना नया अकाउंट ओपन कराया है, तो उसके साथ आपको क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। यदि उससे आपको हायर वेरिएंट चाहिए तो आपको ग्लोबल डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लासिक ATM कार्ड के बारे में। तो इसकी ATM से विड्रॉल लिमिट है 20,000 रुपये की। आप 20,000 रुपये एक दिन में निकाल सकते हो और POS मशीन से 50,000 रुपये प्रतिदिन निकाल सकते हो। इस डेबिट कार्ड को केवल आप भारत में यूज कर सकते हो, विदेश में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस ATM कार्ड को इश्यू कराने के बाद आपको हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 147 रुपये का चार्ज देना होगा। आगे बात करें दूसरे ATM कार्ड की, तो दूसरे ATM कार्ड का नाम है ग्लोबल ATM कार्ड। इस कार्ड को प्रत्येक SBI खाताधारक ले सकता है और इस कार्ड का उपयोग पूरे विश्व में कहीं भी कर सकता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व डोमेस्टिक दोनों ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसे ATM से कैश विड्रॉल की लिमिट 40,000 रुपये प्रतिदिन है और POS मशीन से 2,00,000 रुपये प्रतिदिन इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो यदि आपका ट्रांजेक्शन POS मशीन से कुछ ज्यादा ही पड़ता है तो आप इस ATM कार्ड को प्रेफर कर सकते हो। ग्लोबल ATM कार्ड को लेने के बाद में आपको हर साल 206 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं SBI अनटच कार्ड। आपने देखा होगा SBI बैंक ने 2020 में इस कार्ड को लॉन्च किया था, लेकिन इस कार्ड ये सभी खाताधारकों को मिल जाता है, लेकिन एक प्रकार की कैटेगरी ऐसी है जिनका खाता जनधन योजना के तहत खुला था, यानी जनधन खाताधारकों को यह कार्ड नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा किसी मॉल में गए हो तो वहां पे वाईफाई के थ्रू, मतलब कार्ड को स्वाइप नहीं करना पड़ता, आप जैसे अपने कार्ड को POS मशीन के पास ले जाते हो तो आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है। तो उन्हीं कार्ड को कहा जाता है SBI अनटच कार्ड। तो ये यदि आप लेना चाहते हो तो इसकी भी रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या है, आपका खाता जनधन खाताधारकों की लिस्ट में नहीं होना चाहिए। SBI अनटच कार्ड की कैश विड्रॉल लिमिट 40,000 रुपये प्रतिदिन और POS मशीन से 75,000 रुपये है। लेकिन खास बात है इस कार्ड का उपयोग आप विदेश में भी कर सकते हो। अब बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की, तो 206 रुपये है और 50 पैसे ये चार्ज तो आपको देना ही होगा यदि आपने इस कार्ड को इश्यू कराया है। अगले कार्ड की बात करें तो गोल्ड ATM कार्ड, ये उन खाताधारकों को दिया जाता है जिनका क्वार्टरली बैलेंस 50,000 रुपये से ज्यादा होता है, यानी आपके एक क्वार्टर में 50,000 रुपये तो न्यूनतम आपके खाते में रहने ही चाहिए, तब आपको ये कार्ड इश्यू कर दिया जाता है। गोल्ड ATM कार्ड से आप प्रतिदिन ATM से 50,000 रुपये निकाल सकते हो और POS मशीन से 2,00,000 रुपये का ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। अब बात करें गोल्ड ATM कार्ड की, तो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है, तो 206 रुपये और 50 पैसे। इस कार्ड का उपयोग आप विदेश में भी कर सकते हो, लेकिन खास बात क्या है, इस ATM कार्ड पे आपको 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन इसकी शर्त है यदि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ है उससे 90 दिन पहले आपने इस कार्ड का एक बार उपयोग जरूर किया हुआ, तो ये इसकी शर्त है। यदि इस शर्त को आप पूरा करते हो तो आपको 2,00,000 रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। अगली बात करें तो प्लेटिनियम ATM कार्ड, ये उन खाताधारकों को दिया जाता है जिनका क्वार्टरली बैलेंस 1,00,000 रुपये से ज्यादा होता है। ये प्रीमियम ATM कार्ड्स आ गए हैं अब आपके सामने। इनमें आपको बैलेंस मेंटेन तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आपका खाते में बहुत ज्यादा रकम होनी चाहिए तभी आपको ये ATM कार्ड इशू किए जाते हैं। तो प्लेटिनियम में आपको 50,000 की नहीं बल्कि 1,00,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। प्लेटिनियम ATM कार्ड से आप 1,00,000 रुपये का
एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो और पीओएस मशीन से 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। इसमें आपको मैं 3 बातें और बता देता हूँ। इस कार्ड का उपयोग आप विदेश में भी कर सकते हो। आपको 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, शर्त वही है जो मैंने पिछले एटीएम कार्ड में आपको बताई थी। इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 206 रुपए और 50 पैसे है। अब बात करते हैं प्रीमियम एटीएम कार्ड। ये प्रीमियम नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको क्वार्टरली बैलेंस 5 लाख रुपए होना चाहिए आपका, तभी आपको ये प्रीमियम एटीएम कार्ड देखने को मिलेगा। इससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हो एटीएम से 2 लाख रुपए और पीओएस मशीन से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं सिग्नेचर एटीएम कार्ड। ये कार्ड अल्ट्रा एचएनआई कस्टमर को दिया जाता है, यानी बैंक स्वयं तय करती है कि किस कस्टमर को यह कार्ड देना है और किस कस्टमर को कार्ड नहीं देना। तो यदि आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको बैंक जरूर यह कार्ड देने के लिए फोर्स करेगी, यदि ट्रांजेक्शन नहीं है तो आपको बैंक ये कार्ड नहीं देगी। यदि आप सिग्नेचर एटीएम कार्ड आपके पास है तो प्रतिदिन आप एटीएम से 1 लाख रुपए की रकम को विड्रॉल कर सकते हो और पीओएस मशीन से 3 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपने सारे एटीएम कार्ड की जानकारी ले ली, यदि अगली बार आप ब्रांच में जाओ तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब आपको पीओएस मशीन से ज्यादा मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कहीं कार्ड स्वाइप करते हो तो आपको ये लिमिट दे के कार्ड चूज करना चाहिए। यदि आपका एटीएम कार्ड विड्रॉल ज्यादा काम पड़ता है तो आपको ये इधर वाली रकम दे के तय करना होगा कि मुझे कौन सा कार्ड लेना है। सिग्नेचर एटीएम कार्ड की बात करें तो इसका विदेश में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है इस, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करें और हमारे इस एटीएम कार्ड की लिस्ट में सबसे लास्ट नाम है प्राइड। ये केवल करंट अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। इससे आप 1 लाख रुपए का एटीएम से विड्रॉल कर सकते हो और 2 लाख रुपए पीओएस मशीन से ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हो। तो ये वीडियो हमारा यही खत्म होता है। आप कमेंट में ये करके बताइए कि इन कार्ड में से आपके पास कौन सा अभी प्रेजेंट में एटीएम कार्ड है, और अगली बार यदि आप ब्रांच में जाते हो तो आप कौन सा एटीएम कार्ड इश्यू कराने की कोशिश करोगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।